काका बाबा बधाई राम राम। हूँ आ गयो तमारी उसमां मुकेश परमार। खबर लेने जेवी रीते बात करी कि लोकसभा चुनाव की तारीखों मेरे मेरे आ रही आने की छोटा चरण नहीं 13 तारीखे झाबवा रतलाम लोकसभा चूंटणी में मतदान थवानुं छे। तेनी पहला नेता अन अन्य दल कांग्रेस छोड़ी या भाजपा जाए तो भाजपा छोड़ी कांग्रेस आ रहा या अन्य संगठन पदाधिकारी छोड़ी आप कांग्रेस में जॉइन जाए। हमारी हाथ आज बात करें कि झाबवा में सुमित्रा मेढ़ा से जेएस की पदाधिकारी लंबे समय तक रही, आज आपने अचानक ऐसा क्या परिवर्तन आया कि कांग्रेस ज्वाइन करना पड़े आपको? देखिए, सभी से पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी को जोहार बोलना चाहती हूँ। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कांग्रेस ज्वाइन करने का मेरा एक ही मकसद है कि वो बोलते हैं ना कि एकले वाणिया हाट नहीं भराए, तो इसलिए मैंने सोचा कि जो लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई है ये, और इसके लिए हमें सबको एक होना पड़ेगा। क्योंकि आप देख रहे हो कि बीजेपी की सरकार के होते हुए आज कितने सारे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। महिलाएं असुरक्षित है, पलायन, रोजगार, बेरोजगारी, ये सब को देखते हुए मैंने ये कांग्रेस ज्वाइन किया है ताकि हमारा संविधान बचे, और हमारा संविधान बचेगा तो हमें हमारा हमें आरक्षण मिलेगा और आगे की लड़ाई हम लड़ना चाहते हैं, इसलिए हम। आपने भी नॉमिनेशन फॉर्म भी लिया था, जमा किया था, उसके बाद आपको चुनाव चिन्ह अवार्टिंग होने। अब ऐसे में अब लोगों से क्या अपील करोगे क्योंकि आपके चुनाव चिन्ह हो गया है, क्या आप कांग्रेस को समर्थन करने की बात करोगे? हाँ, मैं अभी सारे लोगों से यही अपील करूंगी, और जितने भी आपके चैनल के माध्यम से सब मुझे देख पा रहे हैं उन सभी से मैं अपील करती हूँ कि आप मैंने आज कांग्रेस ज्वाइन कर ली है तो जितने भी साथी लोग हैं वो सिर्फ कांग्रेस को वोट करें, हाथ के पंजे को वोट करें और कांग्रेस को जिताए ताकि हमारा प्रधानमंत्री राहुल गांधी बने। क्योंकि ये लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई है, इसलिए मैं सभी से अपील करती हूँ कि प्लीज़ आप कांग्रेस को वोट करें। दूसरी ये बात है कि आप सामाजिक मुद्दों को लेकर हर बार मंच से कांग्रेस और भाजपा को दोनों को कटघरे में खड़ी करती थी, लेकिन अचानक आपने आज कांग्रेस ज्वाइन किया है, क्या आप इन मुद्दों को और सामाजिक मुद्दों को आके इसे बढ़ा पाओगे? हाँ, ये बिल्कुल बढ़ा पाऊंगी, क्यों नहीं बढ़ा पाऊंगी। देखो, ये तो हमारे आदिवासी समाज के हक अधिकार की लड़ाई मैं आदिवासी संगठनों के साथ मिल के लड़ रही थी, वही की वही लड़ाई मैं कांग्रेस के साथ मिल के भी लड़ूंगी। उनके हक अधिकार के लिए मुझे अगर वक्त मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं आंदोलन भी करूँगी, पर मैं अब कांग्रेस के साथ हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि कांग्रेस के साथ एक ये राष्ट्रीय पार्टी है, ठीक है, और हम जो लड़ाइयाँ लड़ते हैं वो ज़मीन स्तर की लड़ाइयाँ हैं, और उसके लिए हमको भी सपोर्ट चाहिए, मजबूत सपोर्ट चाहिए। अभी हमारे समाज को बचाने के लिए, जो हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए जो हमें मजबूत सपोर्ट चाहिए वो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और आदिवासी समाज की विचारधारा सेम है, इसीलिए मैं कांग्रेस में आके ये काम करूँगी। मैं आपको बता रही हूँ ना कि मैं आदिवासी समाज की लड़ाई में वैसे ही लड़ूंगी जैसे मैं लड़ती आ रही हूँ। हमेशा भाजपा के लोग आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस की बी टीम जेएस के पदाधिकारी है जो हमेशा काम करती है, वो सिर्फ कांग्रेस को ही समर्थन करती है, क्या वही वाकई में नज़र आ रहा है ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, अभी देखा जा रहा है ना कि बीजेपी सरकार के होते हुए हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, सीधी सी बात है। हमारे बेरोजगार युवा साथी रोजगार के लिए भटक रहे हैं, उनको पलायन जाने का, जैसे ये बोलते हैं ना बीजेपी वाले कि पलायन कहाँ हो रहा है, ये तो शौक के तौर पे जा रहे हैं, ऐसे भी सुनने में आया था बीजेपी के नेता से। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, जब शिक्षा का स्तर की बात करते हैं तो वो शिक्षा और पलायन और रोजगार, ये तीनों चीज़ें जुड़ी हुई है। अगर हम शिक्षा ले रहे हैं, हम रोजगार मांग रहे हैं, पर हमें रोजगार नहीं दिया जा रहा और हमें पलायन जाना पड़ रहा है, ये स्थिति है अभी अभी के कंडीशन में बीजेपी की सरकार में। इसीलिए इन सब आवाज़ को उठाते हुए मैं आदिवासी समाज के साथ काम करूंगी, और मैं इसीलिए कांग्रेस में आई हूं। सीधी सी बात है, जो काम मैं आदिवासी समाज के लिए संगठन में रह के करने वाली थी वही काम मैं कांग्रेस में रह के करने वाली हूं। क्या लगता था कि आपने जब नॉमिनेशन फॉर्म दिया था तो जेएस की ओर से निर्दलीय प्रत्याशी बने थे, तो ऐसे में अब भाजपा आप पे हमलावर होगी कि आप भाजपा के साथ मिलकर? मुझे पता नहीं, अभी देखो अब इतना कुछ हुआ है उसको देखते हुए हो भी सकता है कि हो भी सकता है, मैं कुछ कह नहीं सकती, अभी आगे देखते हैं क्या होता है। आपने फोकट के अनाज को लेकर सीएम के भी हमलावर हुआ था, बोला है ना, क्योंकि वो फोकट के अनाज को बोल के हमको ताना मार रहे हैं और वो ताना उनका हमको लगा है। क्योंकि देखो, जब योजनाएं ये निकालते हैं धरातल पे, जैसे ये बोलते हैं कि हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं, तो ये वोट के लिए करते हैं, और जब ये वोट इनको अभी चाहिए उसके बाद भी ये लोग बड़े बड़े स्टेजों पर, माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो बयान दिया था कि फोकट का अनाज है, तो हम फोकट का अनाज नहीं खाते हैं ना, हम भी तो टैक्स भरते हैं ना, हमारे आदिवासी समाज
टैक्स बढ़ता होगा तभी हमको वो अनाज मिलता होगा। और यही तो हम कांग्रेस की सरकार में भी हमको अनाज मिल रहा था, पर ताने तो नहीं मिल रहे थे ना, इसीलिए। हाँ, दूसरा एक अंतिम सवाल है, जो आप लगातार इन सामाजिक मूवमेंट के साथ साथ कांग्रेस की विचारधारा के साथ जुड़ गए हैं, तो अब आने वाले जितने भी पदाधिकारी हैं वो क्या आपके साथ और जुड़ेंगे? हाँ बिल्कुल जुड़ेंगे। देखो ऐसा है ना कि ये लड़ाई हमारे, मैंने पहले भी बताया कि लोकतंत्र और संविधान को बचाने की लड़ाई है, और ये लोकतंत्र और संविधान को बचाना है इसीलिए बिल्कुल हमारे साथी लोग जुड़ेंगे और मिलके कांग्रेस के साथ काम करेंगे। अभी हमको सरकार बनानी है तो हमें जुड़ना ही होगा। दोनों प्रत्याशी में हैं, अनिता नागर महिला है और कांतिलाल भूरिया लंबे समय से छत्तीसगढ़ का नेतृत्व कर रहे हैं, इन दोनों में से आप किसको फर्क लग रहा है? सॉरी, इनमें से दोनों में से कौन पसंद करते हैं? कांतिलाल भूरिया जी को, क्योंकि अनिता नागर तो अभी आए हैं। ठीक है, वो अलीराजपुर में उनके कांग्रेस या बीजेपी नेता रहे हैं, लेकिन हमारे देश, हमारे संसदीय क्षेत्र रतलाम झाबुआ अलीराजपुर के लोकप्रिय नेता कांतिलाल भूरिया ही हैं। तो ये है जेएस जो उम्मीदवार थी, जो सुमित्रा मेड़ा है, जो उन्होंने नामिनेशन में फॉर्म भी भरा था, उसके बाद उन्होंने कहा कि अब हम आज कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद उन्होंने कहा कि हमको एक कांग्रेस के साथ मिलकर, राष्ट्रीय पार्टी से मिलकर, हमको कंधे से कंधा मिलाकर और संविधान बचाना है, इसी उद्देश्य के तौर पे उन्होंने आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। और उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में कांग्रेस को और हमारे जेएस के पदाधिकारी कांग्रेस में आकर मजबूत करेंगे, इस तरह के उनका बयान है। तो ऐसी ही हम तुम्हारी बस में फिर है इतनी खबर जानकारी लेने आता रहूँ। काका बाबा राम राम।